अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, लेकिन ये क्या कह दिया, मेहमान बनकर आए हो तो घर पर कब्जा कर लोगे क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसने कहा, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है। तो मंत्री जी, हमारा कहना यह है कि अतिथियों के प्रति ना तो बीजेपी, ना तो मोहन यादव सरकार और ना ही संघ के ऐसे ओछे विचार हैं और ना भावनाएं हैं। वैसे मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, शायद आप भूल गए होंगे कि आप जिस भाजपा सरकार में मंत्री बनकर बैठे हैं, इसी सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात कही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय जितने संवेदनशील भाव से काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मंत्रियों पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। इसी नशे में वे अपने असंवेदनशीलता का परिचय भी दे रहे हैं। ये वही राव उदय प्रताप सिंह हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और पहली बार में ही मंत्री बन बैठे। इतना ही नहीं, स्कूल शिक्षा के साथ ही ये परिवहन मंत्री भी हैं। लेकिन मंत्री जी के बोल वचन से लगता है कि इन्हें अभी स्कूल शिक्षा मंत्री के पद की जगह खुद स्कूल में दाखिला ले लेना चाहिए। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री ही शिक्षकों को लेकर संवेदनशील नहीं होगा, वहां के स्कूलों के हाल कैसे होंगे, इसका अंदाजा उनके जुबानी जमा खर्च से ही पता लग जाता है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक खुद को नियमित करने के लिए लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं। 2 सितंबर 2023 को भाजपा सरकार ने शिक्षक पंचायत भी आयोजित की थी। अतिथि शिक्षकों को नियमित कर गुरुजी के समान वेतन देने की बात कही थी। दोबारा भाजपा सरकार सत्ता में आई, आने के बाद एक साल शिक्षकों ने इंतजार किया, फिर अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर आंदोलन की राह पर चल पड़े। ऐसे में स्कूल शिक्षा मंत्री सरकार के वादे को पूरा करने के बजाय अतिथि शिक्षकों को ही भला बुरा कह रहे थे। उदय प्रताप कहते हैं, उनका नियमितीकरण क्यों होगा, अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है, अतिथि, आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? पहले राव उदय प्रताप को सुनिए कि किस अंदाज में मंत्री ने ये बात कही। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता वंदना ने मंत्री की सफाई में बयान जारी किया है, वो भी साथ साथ सुन ही लीजिए। उनका नाम क्या है, उनका अतिथि, आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या, और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? देखिए, अतिथि देवो भव हमारे भारत की संस्कृति है और हम तो सनातन को मानने वाले लोग हैं। हम ये मानते हैं कि अतिथि हमेशा देवतुल्य होते हैं। जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। राव उदय प्रताप का बयान उनकी समझ बताने के लिए पर्याप्त है, आपने सुन ही लिया। राव कह रहे हैं, इन्हें भर्ती कर भी लेंगे तो सैलरी कहां से देंगे। ये बोलते वक्त उदय प्रताप सिंह ये भूल गए कि इन शिक्षकों से वादा तत्कालीन भाजपा सरकार के ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था और तब सरकार ने इनकी सैलरी के बारे में विचार करके ही इन्हें नियमित करने की घोषणा की होगी। अब एक तरीके से तो राव उदय प्रताप सिंह ने भाजपा सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामों पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। उदय प्रताप सिंह ये भी भूल गए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विजन उनसे लाखों दर्जे बड़ा होगा और शायद उसी विजन की वजह से वे आज मंत्री बन पाए। राव उदय प्रताप के करीबी बताते हैं कि तमाम मामलों में उनकी सोच अभी भी कांग्रेस स्टाइल वाली ही है। ऐसा करके वे वर्तमान संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। जाहिर है, अब स्कूल शिक्षा मंत्री सनातनी अतिथि देवो भव के विचार के खिलाफ हो तो उनका विरोध तो होगा ही। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार का कहना है कि हम 16 साल से पढ़ा रहे हैं तो अतिथि हम नहीं हैं, अतिथि वो होते हैं जो अल्पकाल के लिए आते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि इन्होंने इशारे इशारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है अतिथि शिक्षक मेहमान है और मेहमान बनकर किसी के घर पर कब्जा ना करें। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, मेहमान 2-4 दिन के लिए आते हैं, वर्षों के लिए नहीं आते। अतिथि शिक्षक
पिछले 16 वर्षों से बहुत ही अल्प मानदेय पर शासकीय विद्यालयों में अध्यापन करके परीक्षा परिणाम को सुधार रहे हैं। अतिथि शिक्षक ही शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। आपके इस बयान से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। आप से विनम्र निवेदन है, अतिथि शिक्षकों का अपमान ना करें, अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करें। कई बार देखने में आया कि नए नवेले मंत्री मोहन यादव सरकार के लिए मुसीबत बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। बिगड़े बोल वाले मंत्रियों की फेहरिस्त में अब राव उदय प्रताप सिंह का नाम भी जुड़ गया है। अब मुद्दा है तो उछलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो सीधे सीधे मंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली है। जिस तरीके से शिक्षकों का अपमान कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने किया, मैं मानता हूं कि मोहन यादव ने उनका इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए। और अगर मोहन यादव इस्तीफा नहीं ले तो मोहन यादव प्रदेश के शिक्षकों से माफी मांगना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।